बोलूंगी सुशांत को ये सब। समझे आप? अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि अंकिता और करण के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है। सेट पर दोनों की इतनी मस्ती होती है कि दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। एक और करण है तो दूसरी ओर अंकिता। मस्ती करने के मामले में दोनों एक दूसरे के बाप हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए अंकिता का कहना। सुशांत को ये सब दिखाया उसको कि ये बहुत हंसाता है। और कल परसों सेट पे आया था सुशांत और वो जज बनाता, मतलब मैं उसको जज की चेयर पे बैठा दिया था और हम लोग मस्ती कर रहे थे। तो है ना, हम लोग ऐसे ही हंस रहे थे और उसने मुझे वहां से आंखें दिखाई, बोला व्हाट इज दिस अंकिता, तुम इतना क्यों हंस रही हो? और हम दोनों इतने बदतमीज, हम हंसे जा रहे थे। हम 15 मिनट हंसे हैं और हमने 10 बार कट बोला है सॉरी, और फिर हमने सुशांत को बोला आई एम सॉरी बेबी, लेकिन ये हंसा रहा है वो बेचारा ऐसे देख के से नीचे देख रहा था कि ओह गॉड ये क्या हो रहा है भाई, ये ऐसी है मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा तो ये बात है, सुशांत भी आप दोनों की दोस्ती से रूबरू हुए हैं। सेट पर सुशांत जब भी आते हैं अंकिता और करण की मस्ती देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। अब क्या करें सुशांत, आपकी अंकिता है ही ऐसी। थोड़ा खुमस कर दिया, अरे ठीक का बोल क्या है हा? तो अंकिता नहीं है, अंकिता है भी आना है, कितने घंटे सेट पर लगातार काम करने के बाद सितारों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करना होता है। यू नो मैं पागल हूँ पता तो है आपको, और इसकी नाक बहुत तेज है। दूसरे सेट पे भी कुछ जलता है तो यहाँ पे ऐसे ही करती है, कुछ जल रहा है कहीं पे, कुछ नहीं मैडम ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। ये बताना पड़ता है मैडम चाय नहीं के लग गई, इसको जल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बनाया आज। अंकिता और करण की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, इनकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे और इनके साथ साथ हमें भी इनके साथ हंस हंस के लोटपोट होने का मौका मिलता रहे, हम तो बस यही दुआ करेंगे। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।